हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हम सफ़र। क्योंकि दोस्त जॉब ज़रूरी है। जैसा कि दोस्त आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज बात होगी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और ये टॉपिक है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का कटअप क्या है, और ये गुरु रहमान सर के द्वारा बताया गया है। और इसमें आपको मैं एक PDF भी दूंगा, जिससे आपको एक सबूत के तौर पे दिखेगा। और ये आपको BSSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बिहार दरोगा की, उसी के द्वारा ये PDF प्रोवाइड किया गया है। तो यदि आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना और उसके प्रीवियस ईयर के कटअप के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के कटअप के बारे में। और दोस्तों, मैंने सेट बिहार दरोगा का ऑलरेडी रहमान सर का सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया है, और इस पर लगभग 30,000 से ऊपर कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख चुके हैं। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो व्यू और ही ज़्यादा बढ़ चुका होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और Set 2 बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूँगा। और आपको मैं वादा के साथ कहता हूँ कि यदि आप रहमान सर के 5 सेट को यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर आप दरोगा का प्रीवियस ईयर का कटअप का वीडियो बनाएंगे, तो मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा था कि कटअप कितना गया है। लेकिन जब मुझे एक ऑथेंटिक सोर्स मिला, मुझे PDF मिली, ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा दिया गया है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग संतोष मैदान ये सब वगैरह लिखा हुआ है, रघुनाथ पथ पटना। ये तो बात की बात है, हम कटअप यहाँ देखने वाले हैं। तो कटअप देखिए, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2017 को, यानी कि जो 2017 में जो बहाली आई थी, उस बहाली का वैकेंसी हम लोग यहाँ जानने वाले हैं, उसका कटअप कितना था। तो जनरल की बात करें दोस्तों, तो देखिए जनरल में मेल को देखें तो मेल में पहले हम देखेंगे कि दरोगा में PT एग्जाम होते हैं, उसके बाद मेंस होते हैं, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो होता है दोस्तों वो होता है आपका। और तो सबसे पहले हम लोग PT देख लेते हैं। तो PT में कितना कटअप गया था मेल का, तो जनरल की बात करें तो 109 नंबर गए थे, और टोटल जो PT का एग्ज़ाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे जो UP के छात्र होंगे, वेस्ट बंगाल के छात्र होंगे, झारखंड के छात्र होंगे, तो उन सभी छात्रों को काफ़ी कुछ आइडिया नहीं होता है किसी स्टेट के दरोगा के बहाली में। तो उनको एक सटीक आइडिया मिलेगा कि कटअप कितना होता है और कितने मार्क्स का एग्जाम होता है दोस्तों। तो इसमें 100 प्रश्न होते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 200, और ये जो कटअप बनाया गया है, एक कटअप है 200 मार्क्स में से। तो जो 200 में से 109 नंबर ले आए हैं, यानी कि यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं कि जो 55 मार्क्स, यानी 100 में जिनका क्वेश्चन 55 क्वेश्चन सही हो गया है, उनका सिलेक्शन जनरल कैंडिडेट में हो गया है। क्योंकि फीमेल की यहाँ पे देखें तो फीमेल में जिनका 63.6, यानी कि 64 मार्क्स 200 में से, यानी इसका मतलब 100 में से कितना, तो 100 में से 32 मार्क्स ही, यानी 100 क्वेश्चन में मात्र 32 क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और यदि आप जो जनरल में कैंडिडेट में फीमेल थी तो उनका सिलेक्शन हो गया था। उस तरह BC कैटेगरी के मेल में 103, तो 103 का आप हाफ कर दीजिए, वही आपका क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लगभग 52 मार्क्स, यानी 52 यदि आपने आपके क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल की बात करें तो 60, यानी कि 30 मार्क्स। उसी तरह EBC की बात करें तो EBC में देखिए, यहाँ पे आपको मेल में मान लीजिए 98 मार्क्स कटअप गया था, तो 98 का हाफ कीजिएगा आप, तो यहाँ पे आपको 49, यानी कि आप यदि EBC से हैं और मात्र यदि 100 में से 49 क्वेश्चन आपका सही है तो आपका सिलेक्शन यहाँ PT के लिए हो गया था उस बार। उसी तरह फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में मात्र 60 मार्क्स, यानी कि 30 क्वेश्चन ही। उसी तरह SC का देख सकते हैं, SC में 88, तो यानी 44 क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए 100 में से, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसी तरह फीमेल की बात करें तो यहाँ पे मात्र 30 क्वेश्चन, ऐसे कटअप गया 60, तो 60 जो कटअप 60 गया है वो 200 मार्क्स में से गया, यानी कि मात्र ओनली 30 मार्क्स चाहिए। उसी तरह ST की बात करें तो ST का जो मेल का कटअप है वो गया है 101 मार्क्स, और फीमेल का गया 60 मार्क्स। और उसी तरह आप देख सकते हैं कि जो वुमेन का बैकवर्ड क्लासेस में 3% जो रिजर्वेशन है उसका कटअप दिया गया, और वार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटर जो
यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता या नातिन या पोती हैं उनके बारे में भी यहाँ पे कुछ सीट रिजर्व होते हैं, तो उनका ये कटअप दिखाया गया है। देखिए तो मैंने आपको बता दिया कि पीटी का क्या कटअप था, मेंस का कटअप आप देख सकते हैं। मेंस भी मार्क्स होते हैं 200 के, यानी 200 में से बनाया गया है। तो 200 में से जिनका 137 मार्क्स आया है उनका सिलेक्शन हो गया है जनरल कैंडिडेट में। और फीमेल की बात किया जाए तो यहाँ पे 108 मार्क्स जिनका आया था 200 में से उनका सिलेक्शन हो गया था। और ये जो मार्क्स जो दिखाया जा रहा है जो लास्ट कैंडिडेट का दिखाया जा रहा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब हम बात करेंगे बीसी की, तो बीसी में मेल कैंडिडेट का जो कटअप गया था वो 133 गया था और फीमेल में गया था 98, और यहाँ पे ईबीसी में गया था 129 और फीमेल का गया था 75। उसी तरह एससी का गया था 119 और एससी का गया था 60 मार्क्स। और एसटी की बात करें तो 128 नंबर गया था यहाँ पे मेल का कटअप, और फीमेल का जो कटअप गया था वो गया था 93। और आप देख सकते हैं कि यदि आप हैं जो वुमेन बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो आपका 90 मार्क्स जो 3% रिजर्वेशन के अंतर्गत आप आते हैं, तो 90.8 मार्क्स यदि आपने लाया तो उस वक्त आपका सिलेक्शन हो गया था, और जिनका लाए होंगे उनका सिलेक्शन हो गया होगा। उससे अब वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो यहाँ पर 76.2 मार्क्स जिनका आया था उनका सिलेक्शन हो गया था। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पीटी में आप कितना नंबर लाइए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो पीटी में यदि आप जितना मार्क्स उन्होंने बताया है जो कटअप गया है उससे तो कटअप इस बार ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं क्योंकि सीट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। सीट लगभग 2400 की संख्या के आसपास सीटें हैं, तो बहुत सारे अन स्टेट के भी स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भर दिए हैं, और तो आपका इस बार तैयारी थोड़ा बेजोड़ होना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फाइनल स्कोर में जिनका सिलेक्शन हुआ है वही मार्क्स आप देख सकते हैं खुद। जनरल मेल में 136 मार्क्स, उसी तरह फीमेल की बात करें तो 122 और बीसी की बात करें तो 133.4 और बीसी में फीमेल में आप देख सकते हैं कि 112.2। उसी तरह आप जो भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी के अनुसार आप देख सकते हैं। तो ये तो रहा कटअप। अब बात करें हम तैयारी की, आखिर तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए तैयारी करने के लिए तो पटना में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट तो रामान सर का है, क्योंकि उनको दरोगा गुरु कहा जाता है और उनको दरोगा में काफ़ी उनको एक तरह से अनुभव है, दरोगा की तैयारी करवाए हैं तो काफ़ी अनुभव है। और उनका जो सेट जो चलता है यानी प्रैक्टिस सेट, यदि आप उस सेट को लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है। मैंने ऑलरेडी सेट वन का मैंने वीडियो डाल दिया है, तो सेट वन का वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, और ये भी आप देख सकते हैं कि आपका कितने स्कोर बन रहे हैं, तो आप एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर आपको कितना तैयारी और करना होगा तब तो आपका सिलेक्शन होगा। और सेट टू का भी वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूंगा, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ, जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं दरोगा के, तो उनको भी इस वीडियो को दोस्तों तक पहुँचाइए। क्योंकि दोस्त यदि यहाँ पर जब मेरे वीडियो में नंबर ऑफ व्यू ज़्यादा जाते हैं या कमेंट ज़्यादा जाते हैं या लाइक ज़्यादा जाते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो मेरे को अन्य वीडियो भी लाने का यहाँ पे उत्सुकता होती है। अदरवाइज आप खुद सोचो कि कोई व्यक्ति कोई यदि कोई काम कर रहा है उसमें उसे कोई यहाँ पे उसको उत्सुकता होना चाहिए तभी वो आदमी कोई काम को कर सकता है। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों तक पहुंचाना है, बहुत सारा व्यू देना है, तभी मैं अन्य वीडियो भी लाऊंगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।